बिटरनेस के बीच जहां पूरा वर्ल्ड एकजुट हो गया है, वहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फेमस पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ इंडियन आर्टिस्ट ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एक नोटिस पास किया है, जिसमें उन्होंने सभी को पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने के अगेंस्ट वार्निंग दी है। एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करना बहुत पहले से ही बैन हो रखा है, उसके बावजूद भी कई इंडियन आर्टिस्ट ने ये फॉलो नहीं किया। इस नोटिस में आगे लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती प्रॉब्लम्स के चलते ये नॉन कोऑपरेशन सर्कुलर अभी भी वैलिड है। कोई भी इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करता हुआ पाया गया तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। आगे लिखा है, हमें एहसास होना चाहिए कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, पर बॉर्डर पर पाकिस्तान हमारे आर्मी जवानों को मारने में लगा है। नोटिस में राहत फतेह अली खान का नाम साफ लफ्जों में लिया गया है, पर किसी इंडियन आर्टिस्ट का नहीं। हम आपको बता दें कि सिंगर हर्षदीप कौर और विजय अरोड़ा ने ये लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था। एक लीडिंग डेली से बात करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो इन आर्टिस्ट को बैन कर दिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आगे इन्हें इंडस्ट्री में कोई काम ना मिले।